Hello, good morning everyone. Today I will discuss about topic of teaching learning process. Remaining topic is teaching. So start the topic. सबसे पहले हम teaching के बारे में define करेंगे. Teaching क्या होता है? Teaching is a interpersonal influence. टीचिंग एक प्रकार का इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होता है, जिसके अंदर आपका एम होता है चेंजिंग ऑफ बिहेवियर या चेंजिंग द बिहेवियर एंड पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन, कि आप टीचिंग के थ्रू किसी के बिहेवियर में चेंज करना या उसको इन्फ्लुएंस करना, ये सब टीचिंग का वर्क होता है. या हम टीचिंग की सेकेंड डेफिनेशन को देखें बुक्स के अकॉर्डिंग, तो टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर, कि टीचिंग के कारण स्टूडेंट के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. और टीचिंग है जो एक गाइडेंस के तौर पर होती है, एक गाइड होती है, एक डायरेक्शन होती है, एक स्टिमुलेशन होता है, एक एनकरेजमेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो टीचिंग से ही बोलते हैं. सेकेंड जो पॉइंट आता है वो है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. कंसेप्ट ऑफ टीचिंग दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल टाइप की टीचिंग हो सकती है और दूसरा आते हैं मॉडर्न टाइप की. ट्रेडिशनल टाइप की टीचिंग में हम पढ़ते हैं कि जैसे क्लास में टीचर आया, उसने पढ़ाया, बोर्ड पे लिखा, स्टूडेंट ने नोट आउट किया, उसके बाद में उसने बुक से रीड कर लिया. तो ये सारे पुराने मेथड्स हैं जो कि आज के टाइम में यूज़फुल नहीं है और इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है टीचिंग के. सेकेंड जो टीचिंग के कंसेप्ट आते हैं वो है मॉडर्न टीचिंग. आज के टाइम में जो टीचिंग है वो आप प्रोजेक्टर से टीचिंग करवा रहे हैं, या आप डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू टीच करवा रहे हैं, या आपका जो पढ़ाने का तरीका है, बॉडी लैंग्वेज है, ये सब मैटर करता है. इससे वो टीचिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है और स्टूडेंट की लर्न करने की वो इंटरेस्ट बढ़ता है, सीखने की इच्छाएँ बढ़ती है. तो ये आते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के अंदर दो टाइप्स के. थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो नेचर ऑफ टीचिंग. टीचिंग के जो नेचर है उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि ट्राईपोलर होती है. ट्राईपोलर मींस कि इसके अंदर तीन पॉइंट्स होते हैं. सबसे पहला आएगा टीचर, दूसरा आएगा सब्जेक्ट या आपका मैटर, थर्ड आएगा स्टूडेंट. तो ये तीनों आपस में कम्युनिकेट करके या तीनों मिला करके बनते हैं नेचर ऑफ टीचिंग. इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं हम. सबसे पहला पॉइंट आएगा इट इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस. सेकंड आएगा इंटरैक्टिव प्रोसेस. इंटरैक्टिव मींस टीचर एंड स्टूडेंट आपस में इंटरैक्ट होकर के एक पर्पज के थ्रू या म्यूचुअल बेनिफिट्स तैयार करते हैं टीचिंग के, ये आता है इंटरैक्टिव के अंदर. थर्ड आएगा मल्टीपल लेवल्स होते हैं इसके अंदर. एक तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, या टीचिंग के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ये इसका थर्ड पॉइंट है. इसके नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो टीचिंग मस्ट प्लान्ड, मतलब टीचिंग जो है वो पहले से प्लान की हुई होनी चाहिए, कि आपका टॉपिक डिसाइड होना चाहिए आपको क्या पढ़ाना है, या आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपके वो नोट्स तैयार होने चाहिए, आपके डायग्राम्स एंड चार्ट्स प्रिपेयर होने चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे में टीचिंग होनी चाहिए जो कि टीचिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है और लर्न करने की भी बहुत अच्छा तरीका है, और स्टूडेंट की लर्न करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है इससे. नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है मोटिवेशन टू लर्न. अगर आप टीच अच्छा करवा रहे हैं, अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, तो वो एक मोटिवेशन का काम भी करता है स्टूडेंट्स के लिए और उनका प्रॉपर डेवलपमेंट भी करता है. नेक्स्ट जो आएगा वो है एक टीचिंग है वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं अपन, कि प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट करता है, इसके अंदर कम्युनिकेट करता है, तो उसका डेवलपमेंट होता है. इसका जो मेन एम है वो है स्टूडेंट का डेवलपमेंट करना. नेक्स्ट आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसमें सबसे पहले आएगा प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक टीचिंग, कि टीचिंग होनी चाहिए वो प्लान्ड और सिस्टमैटिक होनी चाहिए. नेक्स्ट आएगा प्रोफेशनली एक्टिविटी. इसके अंदर प्रोफेशनली एक्टिविटी मतलब स्टूडेंट एंड टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट करनी चाहिए, इसके अंदर अच्छे से लर्न करनी चाहिए, जिससे कि टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव बनती है. नेक्स्ट आएगा ट्रेनिंग एंड इमोशंस. ट्रेनिंग एंड इमोशंस के अंदर आप बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रे बर्न टीचिंग शुड इंक्लूड ट्रेनिंग द चाइल्ड इमोशंस. गुड टीचिंग हेल्प द स्टूडेंट
चैनलाइज एंड सबस्टिमेट देयर इमोशंस, देयर एक्टिविटीज लाइक ड्रामा, सिंगिंग, पेंटिंग एंड गेम्स। इमोशंस में आप बोल सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस में स्टूडेंट्स कुछ सीख रहा है, कोई ड्रामा में वर्क कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है और आपकी ट्रेनिंग हो रही है बहुत अच्छी, तो वो भी एक टीचिंग का ही पार्ट होता है। सेकेंड, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप में आएगा स्टूडेंट का नेचर कैसा है, टीचर का नेचर कैसा है, वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, टीचर है वो अच्छे से टीच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, स्टूडेंट अच्छे से लर्न कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है। मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट इसका नेक्स्ट आएगा। मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट में आएगा कि जो टीचिंग का जो इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इफ़ेक्टिव मैनर में होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट है वो हर तरीके के इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है, हर तरीके के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना सीख जाता है, उससे वो लर्निंग के नए नए तरीके भी सीखता है। नेक्स्ट जो आएगा वो है कि क्रिएटिव एंड रिक्रिएशनल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए कि नई नई चीज़ें सीखने को मिलनी चाहिए आपको टीचिंग, आपको लर्न के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलनी चाहिए, टीचर ऐसा हो जो आपको नए नए तरीके से टीच करवाए, नई नई चीज़ें सिखाए, नई नई थ्योरीज़ बताए, या फिर ऐसा कि कोई इंस्पायर करके जाए, कोई मोटिवेशन दे के जाए, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा लर्न करने की इंटरेस्ट बढ़े, ये आता है, ये भी टीचिंग का एक पार्ट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग्स के अंदर। नेक्स्ट जो आएगा वो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंदर आप दो टाइप के प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जनरल प्रिंसिपल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर आपके एम डिसाइड होने चाहिए सबसे पहले, कि डिफिनेट एम होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ में आपको लर्न करना है, क्या चीज़ आपको सीखनी है, ये सारा आपका एम डिसाइड होना चाहिए। एंड टीचिंग के अंदर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सी चीज़ बतानी है, कौन सी किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करना है, तो आपका एक एम फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो एक्टिविटी। एक्टिविटी है लर्निंग बाय डूइंग, दो टाइप का एक मेथड होता है लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि अगर जो लर्नर है वो फिज़िकली और मेंटली फिट है, फिज़िकली और मेंटली एक्टिव है, तो वो अच्छे से लर्न कर पाएगा। उसको जो उसकी जो अगर टीचर है वो अच्छे से एक्टिवेट होकर टीच करवा रहा है, अगर वो अपनी डलनेस को हटा रहा है, अच्छे से एक्टिविटीज़ टीचिंग करवा रहा है, तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ता है, वो प्रॉपरली उसमें इन्वॉल्व होता है, एंगेज होता है उस चीज़ के अंदर, और उसका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा मिलता है। नेक्स्ट जो आएगा वो है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब ये है कि टीचिंग के अंदर आप उसको कोरिलेट करके बता रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आप एमएसएन पढ़ा रहे हो या आप एनाटॉमी पढ़ा रहे हो, तो एनाटॉमी के अंदर आपका कोरिलेशन होगा कि आप उसको डायग्राम्स या चार्ट्स के थ्रू समझाएं, या एमएसएन का होगा कि आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को आप समझाएंगे कि डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, या उसकी ईटियोलॉजी के थ्रू, फिजियोलॉजी के थ्रू, या पर्टिकुलर कोई सिस्टम के थ्रू आप उसको समझा रहे हैं, तो वो भी आता है कोरिलेशन के अंदर। नेक्स्ट जो है इसी का जो पार्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। इसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग एंड टेक्निक्स आनी चाहिए टीचिंग के लिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए उसको, प्लानिंग है वो किस हद तक सक्सेसफुल होगी, कहाँ तक आप उसको टीच करवा सकते हो अच्छे से, जिससे कि बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से लर्न कर सके, तो वो भी इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट आएगा फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। टीचर है वो खुद एक लर्नर भी होता है, टीचर खुद लर्नर होता है, मतलब वो खुद सीखेगा तभी तो वो बच्चों को सिखा पाएगा, तो इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, खुद सीखे फिर बच्चों को सिखाए, तो इससे ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, कि टीचर को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जितने भी है उनको यूटिलाइज करके टीचिंग में डालना और उससे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, अपने आइडियाज शेयर करना टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बना देता है। नेक्स्ट आएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आएगा एटीट्यूड्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, अचीवमेंट, एम, इमोशन एंड एस्पिरेशंस। ये सारी चीज़ें आती है डिफरेंसेस के अंदर। ये डिफरेंसेस होते हैं टीचिंग के, टीचर्स के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर, थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट आएगा कि अगर
सम आर स्लो लर्नर्स, अगर कोई बच्चा है वो बहुत धीरे धीरे लर्न कर रहा है चीज़ों को, और कोई है जो बहुत फास्टली लर्न कर पा रहा है चीज़ों को, तो अगर टीचिंग अच्छी होगी, टीचिंग के मेथड्स अच्छे होंगे, तो शायद लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ सकती है स्टूडेंट्स की, या इंटरेस्ट बढ़ सकता है। ये भी आता है इसके पॉइंट्स के अंदर। नेक्स्ट आएगा कि इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, कि आपको टीचिंग के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट, टीचर टू टीचर, प्रिंसिपल टीचर और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, डायनेमिक्स क्लासरूम, इंटरेक्शन, डिसिप्लिन, वेंटिलेशंस और टेम्परेचर, लाइट, सब कुछ प्रॉपरली, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपकी टीचिंग और ज़्यादा इफेक्टिव बने। नेक्स्ट आएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें क्या आएगा कि इक्वल राइट्स होते हैं स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के, इक्वल राइट्स होते हैं। द टीचर शुड क्रिएट डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट इन द क्लास, स्टूडेंट शुड नॉट टॉट विद देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। मतलब स्टूडेंट्स और टीचर की जब वो टीचिंग करवा रहा है तो उनके सेम राइट्स होते हैं, उसमें आप कास्ट या रिलीजन को ऐड नहीं कर सकते और उसको तरीके से जज भी नहीं कर सकते आप इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट जो आएगा वो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के अंदर आएगा सबसे पहला मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, कि आपका जो टीचर है वो टीच करवा रहा है तो वो आपको मोटिवेट भी करना चाहिए जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़े चीज़ों के अंदर, आपको सीखने का इंटरेस्ट बढ़े, आपको लर्न करने का इंटरेस्ट बढ़े। और एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए, या एक बोल से अच्छा मोटिवेट करने वाला टीचर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉपरेशन, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच कॉपरेशन अच्छा होना चाहिए, अगर वो कॉपरेट करके कम्युनिकेट करेंगे तो शायद टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव बन सकती है। क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएशन, अगर आप टीचिंग के मेथड्स के अंदर नए नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, उसको क्रिएटिव बना रहे हैं, तो शायद मतलब अगर उसको क्रिएटिव बना रहे हैं तो टीचिंग और ज़्यादा इफेक्टिव बनती है और स्टूडेंट की इंटरेस्ट बढ़ता है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट आएगा कि रिलेशन एंड एक्सरसाइज, जो परफेक्ट जो मैन होता है, स्टूडेंट आर आस्क टू रिपीट लर्निंग टास्क, दे विल अंडरस्टैंड रिमेन एंड कॉल द सब्जेक्ट मैटर मोर इफेक्टिवली। अगर स्टूडेंट है वो टास्क को बार बार रिपीट कर रहा है तो, या वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है, ये भी चीज़। नेक्स्ट आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, कि अगर आपने कुछ अच्छी टीच करवाई, अच्छी गाइड दी है या अच्छा मोटिवेट किया है, तो उसका आपको फीडबैक सामने से मिलना स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के थ्रू, तो ये भी इसका पॉइंट है। नेक्स्ट आएगा सेल्फ लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। टीचर जो होता है वो खुद लर्नर होता है, सबसे पहले वो खुद सीखता है फिर वो टीच करवाता है, और वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा सबसे पहले, तो इसके बारे में हम बोलेंगे। द टीचर शुड इंक्लूड हैबिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी, इंडिपेंडेंट वर्क एंड सेल्फ लर्निंग इन द स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेनिंग फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, अच्छा लर्न। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के अंदर बहुत सारे चार्ट्स के फॉर्म में दे रखे हैं आपको, तो उस चार्ट को मैं शो करूँगी। इसका जो पहला पॉइंट आएगा है वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आएगा नोन टू अननोन। सेकंड इजी टू डिफिकल्ट, पार्ट टू होल। इसके अंदर सबसे पहले हम बोलेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के अंदर, कि आप सबसे पहले अगर किसी चीज़ को सीखते हैं, मान लो आप किसी भी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं या किसी भी वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो आप सबसे पहले इजी चीज़ों को सीखेंगे, नेक्स्ट उसके बाद में आप हार्ड चीज़ों तक जाएंगे, या फिर आप पढ़ने में स्टडी के अंदर ले लें तो आप सबसे पहले क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ईजी टॉपिक जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, उसके बाद नेक्स्ट देन आप जाओगे हार्ड टॉपिक्स के अंदर जिससे आपको समझ में भी अच्छा आता है और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। नेक्स्ट आएगा नोन टू अननोन। इसके अंदर आपका जो मेमोरी है, मास मेमोरी है या लर्निंग की जो मेमोरी है वो आप अज्यूम करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आएगा पार्ट टू होल्स। पार्ट टू होल में मैक्सिम टीचिंग, ही अज्यूम द स्टूडेंट लर्न विद इफ कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेड इन स्मॉल पार्ट्स, कि आप है जो टीचिंग का जो मेथड्स है उसको आप लर्न करवा रहे हैं स्टूडेंट को छोटे छोटे पार्ट्स के तौर में, छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में,
नेक्स्ट जो आएगा वो है पर्टिकुलर एंड जनरल. पर्टिकुलर फैक्ट आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर टू जनरल फैक्ट. पर्टिकुलर फैक्ट्स आर एग्जाम्पल शुड बी प्रेजेंटेड टू चिल्ड्रन बिफोर गिविंग द जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. पर्टिकुलर इज एन इंडक्टिव मैथड एंड जनरल इन डेडिकेटिव मैथड. द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इज ईजियर टू कंप्रेंड दैन द सो कॉल्ड डिडक्टिव वन. नेक्स्ट जो आता है वो है एम्पेरिकल एंड रिलेशनल. और उसके बाद हम पढ़ेंगे टू फॉलो नेचर, टू ऑब्जर्वेशन, टू रीजनिंग. ये सारे जो पॉइंट्स आते हैं वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के अंदर. थैंक यू.